आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान शिव के प्रिय महा श्रावण माह में सुनी जाने वाली कहानी सुनेंगे, जिसे नियम पूर्वक सुनने सुनाने से भगवान शिव की कृपा से मन इच्छा पूर्ण होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, वे अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी ज़रूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटा मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे। एक समय बुढ़िया के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह योग्य हो गया है और उसे अपने पुत्र का विवाह कर बहू ले आनी चाहिए। बुढ़िया ने कुछ समय बाद अपने बेटे का विवाह कर दिया और घर में बहू ले आई। बुढ़िया के बेटे की बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठती, घर को बुहारती, स्नान आदि कार्य कर भगवान शिव का पूजन करती, कथा कहानी कहती सुनती। पूजा का कार्य बहू अपने घर पर ही रह कर करती। विवाह के कुछ समय बाद श्रावण माह आया। बुढ़िया की बहू भगवान भोलेनाथ की भक्त थी, सो उसके मन में ये विचार आया कि वह श्रावण माह में मंदिर जाकर शिवलिंग सींचे, पूजा पाठ करे, कथा कहानी कहे। उसने अपने मन की बात को अपनी सास से कहा और कहा, माँ जी, श्रावण माह शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग सींचना चाहती हूँ। परंतु बुढ़िया माई ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से काफ़ी समय खराब हो जाएगा, इतने में तो घर का सारा काम हो जाएगा। सास की बात सुनकर बहू उदास हो गई, परंतु कर भी कुछ नहीं सकती थी। अतः वह उदास होकर घर के कार्यों में लग गई, पर उस दिन उसने कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं पर जल भरने गई तो रास्ते में उसने देखा गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, श्रावण का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुनकर उसके मुख पर उदासी आ गई। लड़कियों ने पूछा, आप हमारी बात सुनकर उदास क्यों हो गई? क्या आपको शिव पूजा नहीं भाती? वह बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, शिव तो मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर में पूजा के लिए नहीं जाने देती। लड़कियों ने कहा, आप चिंता न करें, आप हर रोज़ इसी समय जब पानी भरने आओगी तब हमारे साथ ही मंदिर में पूजा कर लिया करना। वह बोली, मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजन सामग्री से ही पूजन कर लेना। यह सुनकर बहू बहुत खुश हो गई। अब वह हर रोज़ उनके साथ मंदिर जाने लगी। वहाँ वह शिवलिंग सींचती और भक्ति भाव से भगवान का पूजन करती और भोलेनाथ से कहती, मैंने अपनी सास से इस बात को छिपाया है, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना।
ऐसे ही पूजा पाठ करते करते पूरा श्रावण माह समाप्त हो गया। जब श्रावण माह का अंतिम दिन आया तो बहू ने सोचा, पूरा महीना मैंने उन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजन किया है, आज तो मुझे कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने नाक से अपनी सोने की नथ उतारी और धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दी। पूजा पाठ समाप्त कर घर आ गई। अब घर आकर बहू सास से नजरें छिपाती हुई इधर उधर फिरे, क्योंकि उसे डर था कि सास जब उसकी नाक में नथ नहीं देखेगी तो उससे जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई, तभी अचानक सास की नज़र उसके नाक पर गई और नाक में नथ न देखकर उसने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ गई? वह बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, कहीं गिर गई होगी। सास ने कहा, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, बताओ, हम वहीं पर नथ को ढूंढेंगे। बहू ने कहा, जब मैं सुबह कुएं पर जल भरने गई थी उस समय तो मेरे नाक में थी, फिर बाद में उपले थापने गई थी। सास ने कहा, चलो वहां पर जाकर देखते हैं। दोनों सास बहू वहां पहुंच गई जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो हम दोनों उपले तोड़कर देखते हैं, और वह दोनों उपले तोड़ने लगी। दोनों ने जैसे ही उपला तोड़ा, दोनों के उपलों में एक एक नथ। सास ने कहा, नथ तो एक थी, ये दो कैसे हो गई? सास ने फिर एक और उपला तोड़ा, उसमें भी नथ। अब सास उपले तोड़ती जाए और सब में नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, ये क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात ज्यों की त्यों बता दी और कहा, ये भगवान शिव का ही आशीर्वाद है। आज मैंने श्रावण माह की समाप्ति पर उन्हें एक नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा कि श्रावण माह में स्नान दान जप तप और व्रत का इतना महत्व है, तो अगली बार हम दोनों मिलकर शिवलिंग सींचेंगे, पूजा पाठ करेंगे। अगले वर्ष श्रावण माह आने पर दोनों सास बहू ने नेम से श्रावण स्नान किया, शिवलिंग सींचा, पूजा पाठ जप तप व्रत और कथा कहानी का नेम नित्य निभाया। भगवान शिव की कृपा से बुढ़िया के घर अन्न धन के भंडार भर गए और उसकी बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान भोलेनाथ ने उनकी सभी मनोइच्छा पूर्ण की। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बुढ़िया और उसकी बहू की सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे सब की करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबके घर अन्न धन से भरपूर करना, संतान सुख देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।